हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर डोर ओपन आलम के बारे में। एक सिंपल सा सर्किट हम तैयार करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, हम रेफ्रिजरेटर आजकल हर घर में यूज़ करते हैं, तो होता क्या है, बार बार हम डोर ओपन क्लोज़ करते हैं तो कभी कभी गलती से दरवाज़ा ठीक से लग नहीं पाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी दरवाज़ा ठीक से लगा नहीं है, अंदर का लाइट दिख रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसा अगर ये कंडीशन में डोर ओपन रहा तो हमको थोड़ी देर बाद ध्यान में आता है कि दरवाज़ा ओपन है, तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये देखें अभी अंदर का लाइट तो बंद है लेकिन फिर भी डोर ओपन है, ठीक तरह से बंद नहीं हो पा रहा है। तो इसी कंडीशन में अंदर का कूलिंग जो है वो सब चला जाता है और कंटिन्यूस फ्रिज का कंप्रेसर ऑन रहता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा सर्किट मैं आपको बताऊंगा जो हम डोर को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इसके लिए क्या क्या लगने वाला है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें लगने वाला है ये डबल साइडेड टेप है, और ये पुराना म्यूज़िकल कैंडल है जो हम बच्चों के बर्थडे पार्टी में वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये सर्किट निकालना है। ये देखिए, ये म्यूज़िक का सर्किट है, ये देखिए। इसमें एक कॉन्टेक्ट स्ट्रिप रहता है, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्ट्रिप है, तो जैसे ही नीचे कॉन्टेक्ट होगा तो ये म्यूजिक बजना शुरू होता है, और ये कॉन्टेक्ट जैसे ही ऑफ होगा तो ये म्यूज़िक अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हम इसकी मदद से डोर ओपन अलार्म सर्किट बनाएंगे, और हमें एक प्लास्टिक का स्ट्रिप लगने वाला है। ये देखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का प्लास्टिक का कागज़ है, आप चाहे तो पुराना जो एक्सरे वगैरह रहता है उसे भी ऐसा स्ट्रिप ले सकते हैं कट करके। तो चलिए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये जो हमारा म्यूज़िकल सर्किट है तो हमें ये यहाँ पे फिट करना है। ये सैमसंग का फ्रिज है, तो यहाँ पे ये जो डोर के ऊपर जो कवर दिया है इन्होंने, यहाँ पे हम इसे वो फिट करने वाले इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये डबल साइडेड टेप लगा के लेना है। तो इसे एक्चुअली हाइट देने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टेप लगाया है इस प्रकार से, क्योंकि हमें ये इस लेवल तक लाना है, ये सर्किट, ये जो इसका कॉन्टेक्ट स्ट्रिप है उसको ये इस लेवल तक लाना है, और ये जो प्लास्टिक का स्ट्रिप है उसका हम इस प्रकार से यहाँ पे दरवाजे पे चिपका देंगे। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन होगा और क्लोज होगा तो ये जो कॉन्टेक्ट है उस म्यूज़िकल सर्किट का, उसको ये प्लास्टिक का स्ट्रिप जो है वो ऑन ऑफ करेगा, मेक ब्रेक करेगा, और हमको डोर ओपन अलार्म का इंडिकेशन मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे डोर साइड में यहाँ पे फिट कर लिया है, ये देखिए। इसमें हम ये स्ट्रिप डाल के रखेंगे, नहीं तो ये बचता रहेगा। और ये प्लास्टिक के स्ट्रिप को हमें यहाँ पे दरवाजे पे इस पोजीशन में, इसे जी मैं स्ट्रिप निकाल देता हूँ। तो अभी दरवाज़ा बंद है पूरी तरह से, तो हमें जस्ट इसमें थोड़ा सा इंसर्ट करना है ये पट्टी, और इस जगह पे हमें इस जगह पे हम दरवाजे को चिपका देंगे इस पट्टी को। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लास्टिक का स्ट्रिप यहाँ पे दरवाजे पे चिपका लिया है। अभी दरवाज़ा बंद है पूरी तरह से और म्यूज़िक भी ऑफ है, तो अभी मैं आपका दरवाज़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे म्यूज़िक बजना चालू हो जाएगा।
और जैसे आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ का कांटेक्ट ब्रेक कर देता है म्यूज़िकल सर्किट का और ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्रिज डोर ओपन के लिए सिर्फ 30 या 40 रुपए में सर्किट बना सकते हैं और बिजली की सेविंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।